हेलो, यस, नमस्कार बच्चों। मैं अशोक कुमार साहू, आपका मेंटर, आपका करियर गाइड। स्वागत करता हूं आप सबका आपके अपने इंस्टीट्यूट वुगली क्लासेस में। माय डियर फ्रेंड्स, यू आर मोस्ट वेलकम इन वुगली सुपर लेक्चर सीरीज द वुगली लाइव यूट्यूब क्लासेस। माय डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? हर हर वुगली, घर घर वुगली, हर हर वुगली, घर घर वुगली। प्यारे बच्चों, जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि इंस्टेंट हर क्लास का नोटिफिकेशन आप तक मिल सके। और अभी तक मेरे बच्चों, वुगली के जितने भी मेरे कैंडिडेट्स मेरे साथ प्रिपरेशन कर रहे हैं नर्सिंग ऑफिसर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की, उनसे मेरा अनुरोध है कि जिस भी किसी छात्र तक हमारी क्लासेस की इंफॉर्मेशन नहीं पहुंच पा रही है, मेरे दोस्तों, वुगली के मेंबर होने के नाते आपकी मॉरल ड्यूटी बनती है मेरे बच्चों कि आप उस छात्र की मदद करें। दोस्तों, हमारे अंदर हेल्पिंग नेचर जितना ज्यादा होगा, हम लोगों के प्लस पॉइंट्स उतने ही बढ़ते जाएंगे, जीवन में सक्सेस होने की संभावना बढ़ती जाएगी, आपके मदद वाले भी बढ़ते जाएंगे। आपको ऐसे हेल्पिंग नेचर वाले लोगों की तलाश करना चाहिए जो आपको भी आपकी स्टडी के अंदर हेल्पफुल होते हैं। और मेरे बच्चों, वुगली आपका ये दोस्त आपके लिए हमेशा तैयार है। आपको मेरे बच्चों एक बात विशेष ध्यान रखना चाहिए, एग्जाम्स में सफल होने के लिए, यानी कि नर्सिंग क्षेत्र में कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स जो हैं काफी अलग अलग वैरायटी के आते हैं। माय डियर स्टूडेंट्स, वी रिक्वायर्ड द एडवांस एंड अपडेटेड स्टडी मटेरियल टू क्रेक टू गेट द जॉब इन नर्सिंग कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। हाउ आर यू माई डियर फ्रेंड्स? अंजलि, वुगली, बेटा, कंचन, अनामिका, सर्वेश, अन्नू, पिंसेस राठौड़, अंजलि, सोनम, यस, हर हर वुगली, घर घर वुगली। मेरे बच्चों, क्लास को लाइक कर दीजिएगा। आई एम जस्ट गोइंग टू स्टार्ट दिस सुपर लेक्चर टुडे माय गाइस। और आपसे अनुरोध है, आप जानते हैं कि संडे को, आने वाले कमिंग संडे को आपका मेजर टेस्ट है। पूरी गैस्ट्रोलॉजी के 1 से लेकर 19 तक के लेक्चर उसके अंदर आएंगे और वो टेस्ट जो है वो अपलोड हो चुका है वुगली ऐप के अंदर। तो जिसको भी नहीं मिला है वो व्हाट्सएप पर मैसेज करके या फिर आपस में एक दूसरे को, जिसको मिल गया है वो बता दीजिएगा मेरे बच्चों। तो जिसे मिल गया है, पता चल गया है कहाँ कैसे टेस्ट देना है 0 प्राइस का, तो गैस्ट्रोलॉजी का मेजर टेस्ट हम लोगों ने रखा है संडे को और उस टेस्ट की इंफॉर्मेशन सबको पहुंचा देना। क्लियर हो गया है मेरे बच्चों? दूसरी बात है, कंटेंट्स को बहुत अपडेटेड है, बहुत एडवांस है जो क्लासेस आपको मैं प्रोवाइड कर रहा हूं। तो मेरे बच्चों, याद रखना, हर क्लास के नोट्स हम लोगों को प्रिपेयर करना है। नोट्स बना के अगर अपन पढ़ेंगे तो हमारे लिए वही तैयारी करना बहुत आसान हो जाएगा। जितने कॉन्सेप्ट्स मैं आपको सिखा रहा हूं ना बेटा, 1 by 1 करके हर क्लास के नोट्स बनाते रहो और नोट्स बना करके उस स्टडी मटेरियल को इस तरीके से लर्न करते रहो कि एग्जाम समय पर आपको लास्ट मिनट रिव्यू करने में ही सारी चीजें याद रह जाएगी। क्लियर हो गया है इतनी बात? दूसरी बात है मेरे बच्चों कि जो भी स्टडी मटेरियल यहां से प्रोवाइड कर रहा हूं उसकी पीडीएफ आपको ऐप के अंदर अवेलेबल करवाई जा रही है ताकि आप जब नोट्स बनाओगे तो आपको ऐप में से पीडीएफ से डायरेक्ट नोट्स बनाए जा सकते हैं, उसके अंदर आपको मदद मिल जाए। मतलब दोबारा वीडियो को चला करके नोट्स बनाने की जरूरत ना पड़े, यानी कि अभी आप क्लास लें शांति से और फिर उसके बाद नोट्स आराम से बना सकते हो। क्लियर हो गया? तो मेरे बच्चों, पूरे ही कंप्लीटली इंस्ट्रक्शंस आपको मैं बताता जाता हूं हर क्लास के अंदर, ताकि आपको इन क्लासेस का, इन मेहनत का, जो मेहनत आप मेरे साथ कर रहे हो रात को 10 बजे, उसका बेस्ट परिणाम आ सके। मेरे बच्चों, एक शिक्षक, एक टीचर होने के नाते माय मॉरल ड्यूटी इज दैट टू इंस्ट्रक्ट ऑल माय स्टूडेंट, दे आर फॉलोइंग मी एंड दे आर चूज मी टू स्टडी फॉर देयर अपकमिंग नर्सिंग कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। मेरे बच्चों, जो ये क्लासेस हम प्रिपेयर कर रहे हैं, जो आपको डिलीवर कर रहे हैं, ये क्लासेस सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए है। कोई भी नर्सिंग कॉम्पिटिटिव एग्जाम आप दें, केवल ये एक लेक्चर जो आप रोज डेली अटेंड कर रहे हैं, दैट इज सफिशियंट मटेरियल फॉर द क्रेक नर्सिंग कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। क्लियर है मेरे बच्चों? पीडीएफ कैसे मिलेंगी? पीडीएफ ऐप के अंदर है, इसे बताइएगा जिसको मिल चुका है, रोशनी को बता दें बेटा एक दूसरे को आप जानकारी प्रोवाइड करें।
जीएमसीएच एग्जाम्स कब हैं इसके लिए आप नोटिफिकेशन देखो, जीएमसीएच की साइट ओपन करो बेटा, क्लियर है। आगे बात करता हूं मेरे बब्बर शेरो, तो आज की इस क्लास के अंदर वही बात बोलूंगा, काक चेष्टा बको ध्यानम स्वान निद्रा तथेव च अल्पाहारी ग्रह त्यागी विद्यार्थीनम पंचलक्षणम। तो सबसे पहले तो जो स्टूडेंट लेट करके पढ़ रहे हैं वो चेयर पे उठ करके बैठ जाओ। अनामिका, कंचन, रमन, शिवानी, राहुल, सीके, रवि, रोशनी, शेजल, अपनी अपनी चेयर पर बैठ जाइएगा। क्लास के रूल्स कोई भी व्यक्ति ब्रेक नहीं करेगा, पूरे डेडिकेशन से पूरी सिंसियरिटी के साथ में इन लेक्चर्स को प्रिपेयर करना है और तैयारी को अंजाम देना है, और सिलेक्शन इस तैयारी का अंतिम लक्ष्य है मेरे बच्चों। याद रखना, केवल तैयारी कर लेना या केवल नोट्स लिखा देना या केवल पढ़ा देना, दैट इज नॉट द माई एम। माई गोल, माई एम इज टू गिव यू अ सिलेक्शन मेरे बच्चों। आई एम जस्ट प्रिपेयरिंग, आई एम जस्ट ready to give you the selection। तो मेरे बब्बर शेरो याद रखना, हमारा और आपका जब पर्पस एक हो जाता है, आपका पर्पस है जॉब लेना और मेरा पर्पस है आपको जॉब दिलाना। तो मेरे बच्चों, मैं कोशिश करता हूं कि बेहतर से बेहतर ढंग से आपको टीच किया जाए, और आपको कोशिश करना है कि जो हमारे सर हमें सिखा रहे हैं उसको हम बहुत ही अच्छे तरीके से रोज डेली का काम रोज करके और प्रिपेयर करके रख लें, तैयारी करते चलें, ताकि एग्जाम समय पर हमारे ऊपर कोई भी लोड ना पड़े। क्लियर हो गया? जिसने प्रीवियस लेक्चर प्रिपेयर नहीं किए हैं वो प्रीवियस लेक्चर सैटरडे तक प्रिपेयर कर लेना, क्योंकि संडे को 10 बजे सुबह से लेकर के और 11 बजे तक आपका टेस्ट रहेगा। 50 क्वेश्चंस आएंगे और 1 आवर का समय मैं आपको देने वाला हूं। टेस्ट अपलोड हो चुका है ऐप में, देख के जाकर के चेक कर लेना। क्लियर? तो मेरे बच्चों, अब आपसे बात करता हूं आज के डेली के कम्युनिटी क्वेश्चन में। कल एक क्वेश्चन आपको कम्युनिटी पोस्ट के अंदर दिया गया था बुगली पर कि द टाइप ऑफ मसल फाउंड इन द विसरल ऑर्गन एंड ब्लड वेसल इज कॉल्ड। मेरे बच्चों, बॉडी के विसरल ऑर्गन्स के अंदर और मसल्स के अंदर, बॉडी के विसरल ऑर्गन्स के अंदर, विसरल ऑर्गन्स के अंदर, ये कम्युनिटी क्वेश्चन का स्क्रीन शॉट है, हो सकता है थोड़ा आपको ब्लर भी दिखाई दे, लेकिन मैं बोल रहा हूं वो सुन लेना कि विसरल ऑर्गन्स के अंदर और ब्लड वेसल्स के अंदर कौन से मसल्स पाए जाते हैं माय डियर स्टूडेंट। और ये क्वेश्चन पूछा गया था RUHS पोस्ट BSc नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम 2015 के अंदर। इसमें पहला ऑप्शन दिया था वॉलंटरी मसल, कार्डियक मसल, मायोकार्डियम या इनवॉलंटरी मसल। तो मेरे बच्चों, आंसर पुट करिएगा कि जो मसल्स ब्लड वेसल्स के अंदर और विसरल ऑर्गन्स के अंदर पाए जाते हैं, कौन से मसल्स पाए जाते हैं, और इसका सही जवाब था मेरे बच्चों इनवॉलंटरी। क्योंकि जो विसरल ऑर्गन है जैसे हमारा GIT है और ब्लड वेसल्स है मेरे बच्चों, इनके अंदर इनवॉलंटरी मसल्स पाए जाते हैं जो ऑटोमेटिकली अपने आप ही मस्कुलर एक्टिविटी के द्वारा ऑर्गन्स को रेगुलेट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आज का मेरे बच्चों, अगला क्वेश्चन है अ पेशेंट एक्सपीरियंसेस एन एक्सर्बेशन ऑफ अल्सरेटिव कोलाइटिस। अल्सरेटिव कोलाइटिस का एक्सर्बेशन हो रहा है, टेस्ट रिजल्ट द रिवील एलिवेटेड सीरम ऑस्मोलरिटी और यूरिन स्पेसिफिक ग्रेविटी। जब बच्चों हमने टेस्ट किया इस पेशेंट का, तो हमें रिजल्ट मिला कि इस पेशेंट का सीरम ऑस्मोलरिटी बढ़ा हुआ है और यूरिन का स्पेसिफिक ग्रेविटी बढ़ा हुआ है। व्हाट इज द मोस्ट लाइकली एक्सप्लेनेशन फॉर दिस टेस्ट रिजल्ट। आपसे क्वेश्चन क्या पूछ रहा है मेरे बच्चों, ध्यान से सुनना कि एक पेशेंट है आपके पास अल्सरेटिव कोलाइटिस का, और जब आपने उस क्लाइंट का टेस्ट किया है तो आपको रिजल्ट मिला है कि उसका पेशेंट का ब्लड ऑस्मोलरिटी बढ़ी हुई है, उस पेशेंट का स्पेसिफिक ग्रेविटी भी यूरिन का बढ़ा हुआ है। आपको ये जो रिजल्ट मिला है इसके पीछे सबसे बढ़िया एक्सप्लेनेशन क्या हो सकता है, रीनल इनसफिशियंसी है क्या, हाइपर एल्डोस्टेरोनिज्म है क्या, या डायबिटिक इंसिपिडस या डेफिशिएंट फ्लूइड वॉल्यूम। व्हाट इज द राइट आंसर गाइस, आपके पास 4 चॉइस हैं और चारों चॉइस में से एक चॉइस आपको चूज करना है, और क्वेश्चन को मार्क कर लीजिए मेरे बच्चों, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, बहुत ही जानदार सवाल है ये। आप किसी भी नर्सिंग कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, अपनी ये भुगली की क्लासेस आपके लिए सफिशियंट है, आपको इसके अलावा कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, आप ये क्लास पढ़ें और अपनी पढ़ाई पे ध्यान दें। मेरे बच्चों याद रखिएगा, जब कभी भी हम बात करते हैं
यूरिन स्पेसिफिक ग्रेविटी यदि बढ़ती है तो यूरिन स्पेसिफिक ग्रेविटी का बढ़ना मेरे बच्चों यानी कि यूरिन जो है वो गाढ़ा हो जाता है। ब्लड की ऑस्मोलिटी का बढ़ना मीन्स ब्लड जो है वो भी गाढ़ा हो जाता है। तो ऐसा क्यों होता है अल्सरेटिव कोलाइटिस के पेशेंट्स के अंदर, आइए इस बारे में बात करते हैं। मेरे बच्चों वी नो दैट कि अल्सरेटिव कोलाइटिस का पेशेंट है तो इस पेशेंट को सीवियर डायरिया रहता है। क्या रहता है मेरे बच्चों? सीवियर डायरिया रहता है और सीवियर डायरिया रहने की वजह से बॉडी में से एक्सेसिव फ्लूड एंड इलेक्ट्रोलाइट्स का लॉस होता है। एक्सेसिव लॉस ऑफ द फ्लूड एंड इलेक्ट्रोलाइट्स, और फ्लूड एंड इलेक्ट्रोलाइट्स का एक्सेसिव क्वांटिटी में लॉस होने के कारण अक्सर आपके पेशेंट को डिहाइड्रेशन रहेगा, और डिहाइड्रेशन रहेगा मेरे बच्चों तो इस कारण से बॉडी के अंदर क्या होगा, बॉडी के अंदर ब्लड का ऑस्मोलरिटी बढ़ जाएगा, ऑस्मोलरिटी बढ़ जाएगा और साथ के साथ यूरिन का स्पेसिफिक ग्रेविटी भी बढ़ जाएगा मेरे बच्चों। तो इसका सही रैशनल हमसे पूछा था कि ऑस्मोलरिटी और स्पेसिफिक ग्रेविटी अल्सरेटिव कोलाइटिस के पेशेंट का क्यों बढ़ जाता है, तो हम लोगों को आंसर करना चाहिए था मेरे बच्चों कि इसका फ्लूड वॉल्यूम जो है वो डेफिशिएंट हो जाता है सर डायरिया के कारण, और इस कारण से पेशेंट का ऑस्मोलरिटी और स्पेसिफिक ग्रेविटी जो है वो बढ़ जाता है। क्रिस्टल क्लियर हो गया है बेटा सबको? बात समझ में आ गई कैसे बढ़ता है, क्यों बढ़ता है? प्रिंसेस राठौड़, शेजल, चैतन मिश्रा, निखिल, सुरेश, रितिका, गोरखा, आई होप यू अंडरस्टैंड बेटा। तो यूरिन का स्पेसिफिक ग्रेविटी और ब्लड का ऑस्मोलरिटी बढ़ने के पीछे रीजन होता है अल्सरेटिव कोलाइटिस के पेशेंट को एक्सेसिव डायरिया, और इस वजह से बॉडी में फ्लूड की कमी आ जाती है, और बॉडी में जैसे ही फ्लूड की कमी आएगी मेरे बच्चों तो इस क्लाइंट का ऑस्मोलरिटी एंड ग्रेविटी इंक्रीज हो जाता है यानी डिहाइड्रेशन के कारण। क्रिस्टल क्लियर है? दिस इज वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और इस कॉन्सेप्ट को आप अपनी नोट्स कॉपी के अंदर पूरा प्रिपेयर कर लेंगे, और चाहे जिस लैंग्वेज में उस लैंग्वेज में नोट्स बनाना है आपको, जो लैंग्वेज आपको समझ में आती है। लैंग्वेज इज नॉट मैटर गाइस कि आपको इंग्लिश आती है या हिंदी आती है या क्या आता है, मैटर ये करता है कि जो कॉन्सेप्ट आपको समझा रहा हूं वो आपको कैसे याद रहेगा, इस तरीके से आपको अपने नोट्स बनाना है। क्रिस्टल क्लियर हो गया है मेरे बच्चों? कुलदीप देखो बेटा एक बार फिर बात समझा देता हूं कुलदीप की फरमाइश है कि जिस क्लाइंट को अल्सरेटिव कोलाइटिस होता है मेरे बच्चों, इस पेशेंट को सीवियर डायरिया रहता है, और सीवियर डायरिया रहने की वजह से इस पेशेंट की बॉडी में से बहुत अधिक मात्रा में फ्लूड और इलेक्ट्रोलाइट्स का लॉस होता है, और फ्लूड एंड इलेक्ट्रोलाइट्स का लॉस होने की वजह से इसकी बॉडी के अंदर फ्लूड वॉल्यूम डेफिशिएंट रहता है यानी कि डिहाइड्रेशन रहता है। यदि सिंपल भाषा में अपन बात करें तो डिहाइड्रेशन की वजह से क्या होगा, ब्लड की ऑस्मोलरिटी जो है वो बढ़ जाएगी, ब्लड गाढ़ा हो जाएगा और यूरिन भी गाढ़ा ही आने वाला है, यूरिन की स्पेसिफिक ग्रेविटी भी बढ़ जाएगी। क्लियर है मेरे बच्चों? आप में से कोई व्यक्ति ऐसे हो जो BPCHN की प्रिपरेशन कर रहे हो तो आप अपने यूट्यूब चैनल में जाकर के देखना पूरी साइकेट्रिक, पूरी पीडिया, पूरी मैटरनिटी और पूरी कंप्लीट CHN कम्युनिटी जो लेक्चर मैंने पढ़ा रखे हैं, उससे लेक्चर कोर्स, उससे एक्सीलेंट कोर्स कुछ भी नहीं हो सकता है मेरे बच्चों, जो कोर्सेज जो लेक्चर मैंने कम्युनिटी के ऊपर लिया हुआ है। अगर आप कहो तो मैं एक प्लेलिस्ट बना दूंगा, उस प्लेलिस्ट के अंदर जो लेक्चर आपको सजेस्ट करूंगा बस वो लेक्चर पढ़ के BPCHN देने चले जाना, एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा जो आउट ऑफ चला जाएगा। मेरे बच्चों मैंने ऑलरेडी आपके लिए मेहनत कर रखी है, पूरे स्किल पढ़ा रखे हैं जो स्किल आपको जरूरत पड़ेगी BPCHN के एग्जाम के अंदर, सारे स्किल आपको बुगली के ऊपर पढ़ा रखे, क्लिनिकल प्रैक्टिकल एग्जाम जब आप देने जाओगे तो स्किल की जरूरत पड़ेगी मेरे बच्चों। क्लियर है? तो आप बता देना मुझे यदि आप एग्जाम देने जाएंगे तो आपके लिए वो भी कंप्लीटली मैं एक प्लेलिस्ट बनवा करके उसमें सारे कोर्सेज को ऐड करवा दूंगा। क्रिस्टल क्लियर है मेरे बच्चों? बुगली है तो मुमकिन है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं मेरे बच्चों। अ पेशेंट हैज जस्ट हैड अ सर्जिकल रिविजन ऑफ हिज इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, व्हाट टाइप ऑफ प्रोसीजर वुड द पेशेंट हैव अंडरगॉन इफ द स्टूल आर फॉर्म्ड। मेरे बच्चों आपसे कह रहा है कि एक पेशेंट है जिसको फॉर्म्ड स्टूल आ रहा है, तो मेरे बच्चों आप बताइएगा कि फॉर्म्ड स्टूल कौन सी टाइप की सर्जिकल प्रोसीजर की वजह से आता है। पहला ऑप्शन दिया था कॉन्टिनेंट इलियोस्टॉमी,
कन्वेक्शनल इलियोस्टॉमी, डबल बैरल और लूप कोलोस्टॉमी या सिंगल बैरल या एंड कोलोस्टॉमी। मेरे बच्चों 4 ऑप्शन आपके पास है और इन चारों ऑप्शन में से आपको आइडेंटिफाई करके बताना है कि कौन सी टाइप की सर्जरी की वजह से जो स्टूल होता है वो फॉर्म्ड होता है, कौन से पेशेंट्स का स्टूल फॉर्म्ड स्टेट के अंदर रिलीज होता है। तो चलिएगा पुट योर आंसर। इसी क्वेश्चन से मैं आपको थोड़ा सा डिटेल में लेके जाऊंगा, तैयार हो, थोड़ा सा डिटेल में आपको लेकर के जाऊंगा, इसके बारे में थ्योरी आपको मैं बताना चाहता हूं। आर यू रेडी? एक बार मेरे को फाइनली फीडबैक बता दीजिएगा आप लोग कि मेरे बच्चों आप समझने को तैयार हैं। तो देखिएगा, अपन बात करते हैं कोलोस्टॉमी और इलियोस्टॉमी में कंपैरिजन की। मेरे बच्चों इलियोस्टॉमी और कोलोस्टॉमी में कंपैरिजन करते हैं तो सबसे पहले अपन बात करते हैं कोलोस्टॉमी की। मेरे बच्चों कोलोस्टॉमी की बात करें तो 2 प्रकार से कोलोस्टॉमी होती है। पहली होती है सिंगल बैरल, और सिंगल बैरल कोलोस्टॉमी का दूसरा नाम होता है बेटा एंड कोलोस्टॉमी। पहला क्वेश्चन मार्क करिए, फर्स्ट क्वेश्चन मार्क करिए मेरे बच्चों, सिंगल बैरल कोलोस्टॉमी जिसमें एक ही ओपनिंग रहती है और इसी को एंड कोलोस्टॉमी भी बोला जाता है, क्लियर है। दूसरा कोलोस्टॉमी होता है बेटा डबल बैरल कोलोस्टॉमी और इसी को लूप कोलोस्टॉमी भी बोला जाता है। तो सिंगल बैरल कोलोस्टॉमी को क्या कहते हैं बच्चों, दूसरा नाम क्या है सिंगल बैरल कोलोस्टॉमी का, एक बार आंसर पुट करिएगा। व्हाट इज द अनादर नेम ऑफ द सिंगल बैरल कोलोस्टॉमी? सिंगल बैरल कोलोस्टॉमी का दूसरा नाम क्या होता है? पुट योर आंसर। अरे बब्बर शिरो, इतना टाइम क्यों लगाते हो? वेरी गुड सुरेश, वेरी गुड। सिंगल बैरल कोलोस्टॉमी का अनादर नेम होता है मेरे बच्चों एंड कोलोस्टॉमी, क्लियर है। डबल बैरल कोलोस्टॉमी को और क्या कहते हैं? डबल बैरल कोलोस्टॉमी का दूसरा नाम क्या होता है? व्हाट इज द अनादर नेम ऑफ डबल बैरल कोलोस्टॉमी? डबल बैरल कोलोस्टॉमी का अनादर नेम क्या होता है? और डबल बैरल कोलोस्टॉमी को लूप कोलोस्टॉमी बोला जाता है, क्लियर है मेरे बच्चों। तो देखिएगा यहां पर सिंगल बैरल कोलोस्टॉमी के अंदर जो टाइप ऑफ स्टूल है यहां से सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, क्लियर है बेटा, यहां से क्वेश्चन मैक्सिमम हमारे एग्जाम्स में आते हैं। तो सिंगल बैरल कोलोस्टॉमी आ जाए या एंड कोलोस्टॉमी का क्वेश्चन आ जाए, इससे जो स्टूल पास होता है वो फॉर्म्ड होता है मेरे बच्चों, और जो डबल बैरल कोलोस्टॉमी या लूप कोलोस्टॉमी का क्वेश्चन अगर आता है तो इससे जो स्टूल पास होता है वो सेमी लिक्विड या सेमी फॉर्म्ड प्रोटियोलाइटिक डिस्चार्ज होता है, क्लियर है। कैसा होगा तो याद रखना मेरे बच्चों, प्रोटियोलाइटिक यानी कि प्रोटीन के डेस्ट्रक्शन वाला। तो यहां पर क्या क्या आंसर आप लोगों को ऑप्शन में मिल सकता है? सेमी लिक्विड ऑप्शन में मिलेगा मेरे बच्चों, आंसर सही जाएगा सेमी लिक्विड, या फिर मेरे बच्चों सेमी फॉर्म्ड, क्या कह सकते हो, सेमी फॉर्म्ड भी आंसर सही होगा, या फिर प्रोटियोलाइटिक डिस्चार्ज भी ऑप्शन के अंदर होगा, तो दैट इज ऑल्सो द राइट आंसर। क्रिस्टल क्लियर है गाइस? तो मेरे बच्चों याद रखना, डबल बैरल या लूप कोलोस्टॉमी में जो स्टूल पास होता है, पेशेंट जो स्टूल पास करता है, वो या तो सेमी लिक्विड होता है या इसी को सेमी फॉर्म्ड कह दे या प्रोटियोलाइटिक कह दे। लॉक कर दूं इतना? अरे बात समझ में आ गई तो लॉक कर दिया जाए मेरे बच्चों। यहां तक जो क्वेश्चन मैंने आपको समझाया है ये सब लोगों को बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर है। अब बात करता हूं आपसे कि इस तरह की जो कोलोस्टॉमी होती है वो होती कैसी है। मेरे बच्चों यहां ध्यान से देखिएगा, ये जो आपको दिखाई दे रही है जिसमें एक ही ओपनिंग है मेरे बच्चों, इसे सिंगल बैरल या कोलन के एंड में ये सर्जरी होती है, इसलिए इसे एंड कोलोस्टॉमी के नाम से भी जाना जाता है, क्लियर हो गया बेटा। एंड कोलोस्टॉमी या सिंगल बैरल कोलोस्टॉमी तब बोला जाता है जब कोलोस्टॉमी कोलन के एंड पार्ट पर की जाती हो। मेरे बच्चों डबल बैरल कोलोस्टॉमी या लूप कोलोस्टॉमी तब कहा जाता है जब कॉलन को दोनों तरफ से कट करके और बीच में एक लूप बना दिया जाए, एक कनेक्शन बना दिया जाए और यहां पर स्टोमा फॉर्म कर दिया जाए।
क्लियर हो गया है। तो जब इस प्रकार से कॉलन को कट करते हैं और लूप के माध्यम से इसको वापस से जोड़ करके स्टोमा क्रिएट कर दिया जाता है तो इसे डबल बैरल कोलोस्टोमी या लूप कोलोस्टोमी के नाम से जाना जाता है। तो दोनों ही केसेस में क्वेश्चन क्रिस्टल क्लियर है मेरे बच्चों। अब सीधा सा हम लोगों को ये बात कई बार साहू सर आपको लेक्चर्स में समझा चुके हैं कि जब स्मॉल इंटेस्टाइन से स्टूल आता है तो यहां पर स्टूल के अंदर H2O काफी अच्छी मात्रा में होता है। जब यह लार्ज इंटेस्टाइन में एंटर करता है और कॉलन से मूव करता है तो यहां पहुंचते पहुंचते मेरे बच्चों इसमें से H2O का मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन हो चुका होता है, यानी कि पूरी तरह से H2O एब्जॉर्ब हो जाता है मेरे बच्चों। और H2O यदि अगर एब्जॉर्ब हो गया है तो जो स्टूल पास होगा एंड कोलोस्टोमी में से वो कैसा होगा बेटा, फॉर्म्ड स्टूल होने वाला है। क्लियर है पूरा कॉन्सेप्ट, बोलो बच्चों। तो एग्जामिनर यदि कभी भी आपसे सवाल करता है कि सिंगल बैरल कोलोस्टोमी में या एंड कोलोस्टोमी में जो स्टूल पास होता है वो कैसा होगा, तो मेरे बच्चों फॉर्म्ड स्टूल होता है। यदि अगर आपसे कहूं मैं डबल बैरल कोलोस्टोमी तो बीच में आ गया है तो देखो यहां पर होता तो मेरे बच्चों स्टूल जो होता वो लिक्विड होता। यदि अगर मैं आपसे ये कहता कि इलियोस्टोमी सर्जरी होगी, यदि अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछता कि इलियोस्टोमी के केस में जो स्टूल पास होता वो कैसा स्टूल पास होता मेरे बच्चों, लिक्विड स्टूल पास होता। लेकिन यहां से देखो अब यहां तक चल करके और स्टूल कहां से पास होगा, लगभग मिड ऑफ द कॉलन, और मिड ऑफ द कॉलन तक अगर स्टूल पहुंच चुका है और यहां से स्टूल पास होगा मेरे बच्चों तो ऐसी कंडीशन में किस प्रकार का स्टूल पास होगा, सेमी लिक्विड। कैसा होगा मेरे बच्चों, सेमी लिक्विड स्टूल पास होगा या फिर सेमी फॉर्म्ड स्टूल पास होने वाला है। आई होप यू अंडरस्टैंड, क्रिस्टल क्लियर हो गया। तो लूप कोलोस्टोमी के केस में या डबल बैरल कोलोस्टोमी के केस में किस प्रकार का स्टूल पास होगा, सेमी लिक्विड या सेमी सॉलिड। तो हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा था मेरे बच्चों, सिंगल बैरल कोलोस्टोमी तो स्टूल आर फॉर्म्ड, कौन सी टाइप की सर्जरी में फॉर्म्ड स्टूल पास होगा। तो यहां पर दो ऑप्शन आपको दिए थे इलियोस्टोमी के, तो दोनों तो बिना देखे ही आप कट कर दीजिएगा क्योंकि यहां पर जो स्टूल पास होने वाला था वो लिक्विड होगा। और फिर बात आती है डबल बैरल, और डबल बैरल जो होती है मेरे बच्चों कोलोस्टोमी वो कॉलन के मिड में होती है, मिड ऑफ कॉलन से। कहां पर होती है ये कोलोस्टोमी, कॉलन के मिड एरिया में, तो मिड एरिया में तो नहीं होगा। सिंगल बैरल या एंड कोलोस्टोमी अगर किया गया हो किसी को तो इसका आंसर जाएगा फॉर्म्ड स्टूल, इसलिए डी ऑप्शन विल बी द राइट आंसर। क्या क्वेश्चन सोल्व करना आया मेरे बच्चों आप सबको, कुछ सीखे हो वुगली से? वुगली में कंटेंट जो है मेरे बच्चों बहुत एडवांस लेवल का स्टडी मटेरियल और बहुत ही अपडेटेड स्टडी मटेरियल की हम लोगों को जरूरत पड़ेगी अगर अपन नर्सिंग के क्षेत्र में जॉब प्राप्त करना चाहते हैं। और इसके लिए वुगली सबसे ज्यादा सूटेबल ऑप्शन है मेरे बच्चों। अगर हम वाकई में नर्सिंग ऑफिसर बनना चाहते हैं तो हम लोगों को हमारी जो आदत है इसके अंदर यही डालना पड़ेगा कि मुझे अपडेटेड और एडवांस स्टडी मटेरियल ही कलेक्ट करना है और तभी जाकर के पॉसिबल हो पाएगा। क्लियर हो गया मेरे बच्चों, बढ़ूं आगे। नेक्स्ट देखिएगा मेरे बब्बर शेरो, दूसरी बात करता हूं तो इलियोस्टोमी में कन्वेक्शनल इलियोस्टोमी अगर है या कॉन्टिनेंट इलियोस्टोमी है तो कन्वेक्शनल इलियोस्टोमी और कॉन्टिनेंट इलियोस्टोमी को कॉक पाउच इलियोस्टोमी के नाम से जाना जाता है। ये आपका एक छोटा सिंगल लाइनर है। अगर यहां स्टूल की बात करते हैं तो सेमी लिक्विड टू लिक्विड होगा, सेमी लिक्विड या लिक्विड होगा, और फ्रीक्वेंट डिस्चार्ज ऑफ द स्टूल और प्रोटियोलाइटिक डिस्चार्ज। और अगर कॉक पाउच है तो सेमी लिक्विड टू लिक्विड होगा, कॉन्स्टेंट प्रोटियोलाइटिक डिस्चार्ज। तो इलियोस्टोमी का कोई भी क्वेश्चन आता है तो आपको जवाब यही देना है मेरे बच्चों, सेमी लिक्विड या फिर लिक्विड, सेमी लिक्विड या लिक्विड, लेकिन आंसर लिक्विड होगा। कोलोस्टोमी में जवाब देना है तो फॉर्म्ड, सेमी फॉर्म्ड या फॉर्म्ड, स्टूल जो होता है कोलोस्टोमी का स्टूल वो सेमी फॉर्म्ड या फॉर्म्ड होता है।
लेकिन इलियोस्टॉमी का जो स्टूल होता है वो लिक्विड होता है मेरे बच्चों, क्लियर है। ये आप देखिएगा इस तरह की जो इलियोस्टॉमीज है, स्टैंडर्ड और ब्रूक इलियोस्टॉमी इसको बोलते हैं। ये कॉन्टिनेंट इलियोस्टॉमी है जिसके अंदर कोक पाउच इलियोस्टॉमी भी इसे कहा जाता है, और ये इलियो एनल रिजर्वायर होता है। आगे बात करता हूं मेरे बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की। विच नर्सिंग इंटरवेंशन शुड टेक प्रायोरिटी वेन केयरिंग फॉर अ पेशेंट विद अपेंडिसाइटिस। मेरे बच्चों दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि आपके पास एक पेशेंट है अपेंडिसाइटिस का, आपसे पूछा जा रहा है कि इस पेशेंट के लिए सबसे ज्यादा हाईएस्ट प्रायोरिटी इन चारों ऑप्शन में से हम किसे देंगे। मेरे बच्चों पहला ऑप्शन है यस रोहाना वुगली में आके लगता है अभी बहुत नीड है पढ़ने की। यस बेटा वेरी गुड रोहाना, बहुत जरूरत है, बस क्लासेस को कंटिन्यूसली आप लर्न करते चले और आप डे बाय डे अपने आप को बहुत एडवांस पाएंगे। देखिए मेरे बच्चों अपेंडिसाइटिस का पेशेंट है और आपसे क्वेश्चन पूछ रहा हूं कि किस चीज को सबसे ज्यादा फर्स्ट प्रायोरिटी दिया जाएगा, विच इज द फर्स्ट प्रायोरिटी। असेसिंग फॉर द पेन, एनकरेजिंग ओरल इंटेक ऑफ क्लियर फ्लूइड्स, प्रोवाइडिंग डिस्चार्ज टीचिंग, असेसिंग फॉर साइन एंड सिम्टम ऑफ द पेरिटोनाइटिस। माय डियर स्टूडेंट वी नो दैट, हम जानते हैं कि जहां अपेंडिक्स होता है वहां पर पेरिटोनियम सीरस मेम्ब्रेन का कवरिंग बहुत ज्यादा होता है, और अपेंडिसाइटिस की वजह से इस क्लाइंट को पेरिटोनाइटिस भी हो सकता है। तो माय डियर स्टूडेंट दैट इज आवर फर्स्ट इंपॉर्टेंट प्रायोरिटी कि जिस भी क्लाइंट को अपेंडिसाइटिस है वी नीड टू असेस आवर दिस पेशेंट फॉर द पेरिटोनाइटिस। तो मेरे बच्चों पेरिटोनाइटिस के लिए हम असेस करेंगे और यही हमारी सबसे पहली प्रायोरिटी होती है। क्रिस्टल क्लियर हो गया? तो जिस क्लाइंट को अपेंडिसाइटिस का पेशेंट है तो एक बार हमें ये भी कंफर्म कर लेना चाहिए कि इस पेशेंट को कहीं पेरिटोनाइटिस तो नहीं हो गया है। पेरिटोनाइटिस जस्ट इन्फेक्शन एंड इन्फ्लामेशन इनटू द पेरिटोनियम, और यदि ऐसा हुआ मेरे बच्चों तो इस पेशेंट को एब्डोमिनल पेन होगा। क्या होगा? एब्डोमिनल पेन होगा माय डियर स्टूडेंट्स, और क्या होगा? इन्फेक्शन है, और इन्फेक्शन है तो बॉडी टेम्परेचर भी बढ़ जाएगा, यानी बॉडी टेम्परेचर बढ़ेगा तो पेशेंट को फीवर भी होने वाला है। तो डी ऑप्शन इज द राइट आंसर मेरे बच्चों, आप सबने बहुत ही अच्छा आंसर दिया था। क्लियर हो गया यहां तक? बढ़ो आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला सवाल देखते हैं मेरे बच्चों। विच टाइप ऑफ डाइट इज इम्प्लीकेटेड इन द डेवलपमेंट ऑफ डाइवर्टिकुलोसिस। आपसे क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, क्वेश्चन को पढ़ो फिर मैं समझाऊंगा आपको। क्वेश्चन पढ़िए और आंसर पुट करिएगा। Which type of diet is implicated in the development of diverticulosis? शाबाश, क्वेश्चन का क्या मतलब हुआ एक बार मुझे ये बताइए। जो क्वेश्चन आप पढ़ रहे हैं अभी इसका मीनिंग क्या है? आंसर तो आप लोगों ने बिल्कुल सही किया है, ए ऑप्शन ही आंसर आएगा, लेकिन आप मुझे अब ये बताइएगा कि इस क्वेश्चन की लैंग्वेज का मींस क्या है, क्या मतलब है, आप क्या समझ रहे हो? यस, पता था मुझे कि आप जो भी क्वेश्चन का आंसर कर रहे हो, कौन सी डाइट देना चाहिए जिससे डाइवर्टिकुलोसिस है। नहीं नहीं पता, मुझे पूर्ण भरोसा था कि आप लोगों को ये नहीं पता है कि क्वेश्चन पूछ क्या रहा है, लेकिन आप जो आंसर लगा रहे हैं वो आंसर तुक्का लगा रहे हैं। डाइवर्टिकुलोसिस में कौन सी डाइट देते हैं? डाइट इज प्रेफर्ड फॉर डाइवर्टिकुलोसिस। एनी मोर, कोई और बताइए डाइट जो कॉज करेगी डाइवर्टिकुलोसिस। नहीं पता,
पेरिस्टाल्सिस। वेरी गुड, शाबाश बेटा। केवल एक कैंडिडेट ने बिल्कुल राइट आंसर किया है और उसका नाम मैं बता देता हूं आप सबको। अनाउंस करूं? अरे सुनना चाहोगे कि आप में से कौन ऐसा वुगली है, कौन सुपर वुगली है जिसने बिल्कुल सही आंसर किया है? नाम सुनना चाहोगे उस कैंडिडेट का जिसने बिल्कुल सही आंसर किया है? और उस कैंडिडेट का नाम है मेरे बच्चों, छावी जायसवाल, जो अभी आप सबके बीच में लाइव है। छावी जायसवाल ऐसी लड़की है जिसने इस क्वेश्चन का, जो मैंने क्वेश्चन पूछा था, उसका बिल्कुल एक्यूरेट आंसर दिया है। यस छावी, सुन रहे हो बेटा? अब सुनिएगा ध्यान से, क्वेश्चन क्या पूछ रहा था मेरे बच्चों। क्वेश्चन ये कह रहा था कि विच टाइप ऑफ डाइट इज इम्प्लीकेटेड इन द डेवलपमेंट ऑफ डाइवर्टिकुलोसिस। सवाल की लैंग्वेज पढ़ते ही आपको क्वेश्चन का मीनिंग समझ में आ जाना चाहिए कि इनमें से कौन सी डाइट ऐसी होती है जो यदि अगर पेशेंट ले रहा हो तो मेरे बच्चों उस पेशेंट को डाइवर्टिकुलोसिस हो जाएगा। यानी कौन सी डाइट डाइवर्टिकुलोसिस डेवलप करने के लिए रेस्पॉन्सिबल डाइट है? तो डियर स्टूडेंट, यदि अगर पेशेंट लो फाइबर डाइट ले रहा है तो लो फाइबर डाइट की वजह से क्या होता है मेरे बच्चों? लो फाइबर डाइट कॉजेस कॉन्स्टिपेशन। क्या कर देती हैं? कॉन्स्टिपेशन करती हैं मेरे बच्चों। और कॉन्स्टिपेशन की वजह से जस्ट इट विल रिजल्टिंग इन फॉर्मेशन ऑफ, क्या हो जाएगा बेटा? रिजल्टिंग इन द फॉर्मेशन। अरे ध्यान देना भैया, ये भुगली के कॉन्सेप्ट हैं, समझ में आ गए तो एग्जाम क्रेक। माइका लाल नहीं है कोई एग्जाम जो इसके बाहर आपसे कुछ पूछ लेगा। अभी गैस्ट्रोलॉजी का आज 17th क्लास है मेरे बच्चों। चैलेंज के साथ कहता हूं, लैंग्वेज मिलेगी आपको एग्जाम्स के अंदर, बिल्कुल सेम लैंग्वेज मिलेगी क्वेश्चंस की डिट्टो लैंग्वेज कॉपी हो जाएगी। आप देखे तो देखना एक बार भुगली की पढ़ाई करके, फिर एग्जाम देने जाना और भुगली के कॉन्सेप्ट सीख करके जाना मेरे बच्चों, फिर बताना एग्जाम कैसा जाएगा। रिजल्टिंग इन द फॉर्मेशन ऑफ द आउट पाउचिंग। और मेरे बच्चों यदि अगर क्लाइंट को कॉन्स्टिपेशन रहने लगा तो ये आउट पाउचिंग्स बना देता है इंटेस्टाइन के अंदर, बोवेल के अंदर, और बोवेल में कॉन्स्टिपेशन के कारण बनने वाली इन आउट पाउचिंग्स को ही क्या कहते हैं मेरे बच्चों? डाइवर्टिकुलोसिस कहते हैं, नॉन एज डाइवर्टिकुलोसिस। तो कौन सी डाइट रिस्पॉन्सिबल है यदि अगर क्लाइंट लो फाइबर डाइट ले रहा हो मेरे बच्चों, तो ऐसे पेशेंट्स को डाइवर्टिकुलोसिस होने की संभावना ज्यादा होती है। क्लियर हो गई बात? तो ए ऑप्शन इज द राइट आंसर इन दिस क्वेश्चन। क्रिस्टल क्लियर है मेरे बच्चों? लॉक कर दिया जाए ना? क्लास को लाइक कर दीजिएगा बेटा, जिसने लाइक नहीं कर रखा है लेक्चर को लाइक कर दीजिएगा। लाइक बटन दबाने में कोई कमी नहीं छोड़े मेरे बच्चों, लाइक तुरंत करें क्लास में आते ही। आगे बात करता हूं, नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे। क्रोन्स डिजीज कैन बी डिस्क्राइब एज द क्रोनिक रिलैप्सिंग डिजीज। विच एरिया ऑफ जीआई सिस्टम मे बी इन्वॉल्व्ड इन दिस डिजीज। ये क्वेश्चन मैं आपसे पहले भी पूछ चुका हूं मेरे प्रीवियस लेक्चर्स में, बस मैंने केवल लैंग्वेज मॉडिफाई किया है मेरे बच्चों और कुछ भी नहीं किया है। तो आप बताइए इस क्वेश्चन का क्या मतलब है और इसका आंसर क्या है, फिर मैं समझाऊंगा। क्लास टाइम रोज 10 बजे होती है बेटा, 10 PM क्लास होती है डेली की लाइव रात को, और रात के इस सेशन से हम लोगों का सिलेक्शन श्योर है। रात को 10 PM क्लास होती है, जिसको नहीं पता उसको बता दिया करो रे यार बब्बर शेरो। जितने भी भुगली के कैंडिडेट से, उनकी जिम्मेदारी है कि जो लोग हमारे साथ नए जुड़े हैं उन लोगों को इंफॉर्मेशन कन्वे किया करो। क्लियर है मेरे बच्चों? तो जवाब दीजिएगा, जब आपको मैंने पिछली क्लास को पढ़ाया था तो मैंने इस तरह का फोटो बना करके आपको ये बात समझाई थी, समझना एक बार फिर से। हमने आपको ये बोला था मेरे बच्चों कि जो
क्रोन्स डिजीज है। कौन सी डिजीज है? क्रोन्स डिजीज। मेरे बच्चों, क्रोन्स डिजीज की शुरुआत होती है स्मॉल इंटेस्टाइन से। कहां से? स्मॉल इंटेस्टाइन से क्रोन्स डिजीज शुरू होता है और किधर बढ़ता है? कॉलन की तरफ बढ़ता है। तो याद रखना मेरे बच्चों, ये है क्रोन्स डिजीज। कौन सा डिजीज बेटा? क्रोन्स डिजीज। तो आने वाले नर्सिंग कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के अंदर ये क्वेश्चन श्योर मानो, आप लॉक कर दो और स्टार लगा लेना बेटा इस क्वेश्चन के ऊपर। मैंने क्या बोला कि क्रोन्स डिजीज जो होता है बच्चों, वो बढ़ता है स्मॉल इंटेस्टाइन से शुरू होता है और ये कॉलन की तरफ चलता है, और जीआईटी में ये कहीं पर भी हो सकता है। लेकिन जब हम यही बात, दूसरा क्वेश्चन भी क्लियर करेंगे, लेकिन जब हम यही बात अल्सरेटिव कोलाइटिस के लिए करते हैं मेरे बच्चों, तो यहां पर है रेक्टम। क्या है ये? ये है मेरे बच्चों रेक्टम। क्या है? रेक्टम। तो याद रखना मेरे बच्चों, रेक्टम से शुरुआत होती है अल्सरेटिव कोलाइटिस की। अल्सरेटिव कोलाइटिस कहां से शुरू होता है बेटा? तो दोनों क्वेश्चन को मार्क कर लीजिएगा और ये वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। और अल्सरेटिव कोलाइटिस रेक्टम से शुरू होता है और कॉलन की तरफ बढ़ता है, रिवर्स आता है। क्लियर हो गया है? तो अल्सरेटिव कोलाइटिस शुरू होता है मेरे बच्चों रेक्टम से, और क्रोन्स डिजीज की शुरुआत होती है स्मॉल इंटेस्टाइन से। तो क्वेश्चन ये कह रहा था कि क्रोन्स डिजीज कैन बी डिस्क्राइब एज क्रोनिक रिलैप्सिंग डिजीज विच एरिया ऑफ द जीआई सिस्टम मे बी इन्वॉल्व इन दिस डिजीज। द एंटायर लेंथ ऑफ द लार्ज कॉलन, लार्ज कॉलन के अंदर नहीं होता है मेरे बच्चों, होता है लेकिन ये बात इसके लिए नहीं कहेंगे। ओनली द सिग्मोइड एरिया नहीं होगा आंसर। द एंटायर लार्ज कॉलन, एंटायर लार्ज कॉलन अफेक्ट नहीं होता है। द स्मॉल इंटेस्टाइन एंड द कॉलन अफेक्टिंग द एंटायर थिकनेस ऑफ द बॉवेल, और दिस इज द राइट डेफिनेशन ऑफ द क्रोन्स डिजीज। मेरे बच्चों, क्रोन्स डिजीज के बारे में खास बात यह होती है कि क्रोन्स डिजीज जो होती है ये कॉलन की पूरी ही कंप्लीट लेयर्स को अफेक्ट कर देती है। सब म्यूकोसा, म्यूकोसा मस्कुलरिस और सीरोसा, यानी पूरी थिकनेस तक इसके अल्सर हो जाते हैं जब क्रोन्स होती है। दोनों में बहुत डिटेल में डिफरेंसेस पढ़ा चुका हूं प्रीवियस क्लासेस के अंदर। जिसने नहीं देख रखा है मेरे बच्चों, बार बार कह रहा हूं मैं कि एक भी क्लास मिस मत करना गलती से भी, चाहे आप रात को पढ़े, सुबह पढ़े, दिन में पढ़े, लेकिन एक भी क्लास मिस हुआ ना तो समझे आपकी जो प्रिपरेशन है उसमें कहीं ना कहीं बहुत कुछ आप मिस कर जाओगे, क्योंकि एक एक क्लास का एक एक क्वेश्चन जो है मेरे बच्चों मेरी क्लासेस के अंदर, वो बहुत ज्यादा आइडियल क्वेश्चन है जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के अंदर लैंग्वेज भी चेंज नहीं होने देगा। मेरे बच्चों, मैंने कहा आपसे कि जो कॉलन के अंदर अल्सरेटिव कोलाइटिस होता है वो केवल म्यूकोसा और सब म्यूकोसा को अफेक्ट करता है, लेकिन क्रोन्स डिजीज जो होता है मेरे बच्चों वो फुल थिकनेस को अफेक्ट करता है। क्रोन्स डिजीज की जो शुरुआत होती है वो स्मॉल इंटेस्टाइन से होती है और कॉलन की तरफ बढ़ती है, लेकिन जो अल्सरेटिव कोलाइटिस की शुरुआत होती है वो रेक्टम से होती है और कॉलन की तरफ बढ़ती है। क्लियर हो गया है मेरे बच्चों? इसी तरह से इलियोस्टॉमी, कोलोस्टॉमी क्लियर हुआ, सिंगल बैरल डबल बैरल कोलोस्टॉमी। जो लेट कमर्स हैं वो लेक्चर को वापस शुरू से देखना है क्लास पूरी होने के बाद। क्लियर हो गया है? आज के बाद मेरे बच्चों आपके जीवन में कोई कंफ्यूजन नहीं रहेंगे, चाहे से कोलोस्टॉमी, इलियोस्टॉमी, सिंगल बैरल, डबल बैरल, लूप कोलोस्टॉमी, एंड कोलोस्टॉमी, कॉन्टिनेंटल कोलोस्टॉमी, कन्वेक्शनल कोलोस्टॉमी, इलियोस्टॉमी, कॉन्टिनेंटल इलियोस्टॉमी, स्टूल का फॉर्म्ड होना, सॉफ्ट होना, लिक्विड होना, सेमी लिक्विड होना, सेमी फॉर्म्ड होना, या फिर मेरे बच्चों आपसे क्रोन्स डिजीज, या फिर आपसे अल्सरेटिव कोलाइटिस, इस तरह के सवाल आपका एग्जामिनर कभी भी दे दे आपको, स्टोमा के कलर वगैरह सारा कुछ क्रिस्टल क्लियर करते हुए आपको आगे बढ़ा रहा हूं। मेरा वुगली का स्टूडेंट जब एग्जाम देने जाएगा तो वो दुनिया के किसी हर किसी छात्र से बेहतर प्रदर्शन करना चाहिए, ये मेरी सोच है। और मेरा वुगली का स्टूडेंट जो है वो हर किसी से आगे रहेगा, हर किसी से बेहतर प्रदर्शन एग्जाम के अंदर करेगा, ये मेरा वादा है मेरे दोस्तों आपसे। दोस्तों, मेरे बच्चों याद रखना, जब भी एम्स का एग्जाम देने जाओ, बाहर सेंटर के एक बार
आप अपने फ्रेंड से कह देना हेलो हाउ आर यू आई एम वुगली, तो आपका दोस्त तुरंत आपसे दोस्ती कर लेगा और वो भी वुगली होगा। तो मेरे बच्चों, वुगली एक सोच है, एक ऐसा संसाधन है जो हमारे पूरे नर्सेस को आपस में जोड़ करके रखता है और सारे नर्सेस के अंदर एक फ्रेंडशिप वाला नेचर पैदा करेगा। क्लियर हो गया है मेरे बच्चों? आगे बात कर रहा हूं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ूंगा। अगला क्वेश्चन है ओरल केयर का और क्वेश्चन कह रहा है द नर्स शुड प्लान स्पेशलाइज ओरल केयर ट्वाइस अ डे फॉर विच क्लाइंट। क्वेश्चन फिर से बहुत बेसिक सवाल है और बहुत ही इंपॉर्टेंट। आपको चार तरह के क्लाइंट में यहां पर दे रहा हूं और आपसे पूछ रहा हूं कि इन चारों क्लाइंट्स में से कौन से क्लाइंट को दिन में दो बार बेसिक केयर देना आवश्यक है। थैंक यू सो मच मेरे बच्चों, थैंक यू, लव यू गाइस, आपके वुगली के प्रति इतने लव, इतने प्यार, इतने अफेक्शन के लिए मैं आप सबका शुक्र गुजार हूं मेरे बच्चों। रितिका हो, चाहे से आकांक्षा हो, चाहे प्रिंसेस हो, या अंजलि हो, या नीलम हो, या शेजल हो, मेरे बच्चों यू आर वेरी लविंग एंड यू आर सुपर वुगलियंस। और मुझे ऐसे सुपर वुगलियंस पर आज नाज है कि आपको वुगली के प्रति इतना प्यार है। ये चार तरह के पेशेंट है आपके पास। पहला पेशेंट है क्लाइंट हु हैज द फुल डेंचर, जिसको पूरी डेंचर्स लगी हुई है, क्या उसको ओरल केयर देना चाहिए? द क्लाइंट हु इज ऑन द फ्लूड रेस्ट्रिक्शन, जो क्लाइंट फ्लूड रेस्ट्रिक्शन पर है उसको आप ओरल केयर देना ज्यादा उचित समझेंगे। द क्लाइंट हु इज ऑन अ लो रेजिड्यू डाइट, जो लो रेजिड्यू डाइट पर पेशेंट होते हैं उनको दिन में दो बार ओरल केयर असाइन करेंगे। या द क्लाइंट हु शक ऑन द आइस चिप्स, द पेशेंट्स दे आर टेकिंग ओनली द आइस चिप्स, यू नीड टू असाइन द ओरल केयर ट्वाइस इन अ डे फॉर विच पर्संस। यू हैव द फोर कैटेगरी सीन हियर। फर्स्ट इज द दे हैव फुल डेंचर्स, दे आर ऑन द फ्लूड रेस्ट्रिक्शन, they have the low residue diet, they shuck in the ice chips. Guys, which clients require the specialized oral care in twice in a day? So then guys, jab kabhi bhi patient ko saliva yadi agar fluid restriction par hoga to yaad rakhna kya hoga mere bachcho, fluid restriction ki wajah se is client ko kya hoga, decrease saliva formation, सलाइवा का फॉर्मेशन इसको कम क्वांटिटी में होता है। एंड व्हेन द सलाइवा फॉर्मेशन इज डिक्रीज्ड ड्यू टू द फ्लूड रेस्ट्रिक्शन, दिस क्लाइंट इज रिक्वायर्ड टू प्रोवाइड द ओरल केयर, सो प्रोवाइड ओरल केयर ट्वाइस इन अ डे। माय डियर स्टूडेंट, ऐसे क्लाइंट्स जिनको कि फ्लूड रेस्ट्रिक्शन किया जाता है, उन क्लाइंट्स को फ्लूड की कमी होने के कारण सलाइवेशन डिक्रीज रहता है, और सलाइवेशन डिक्रीज रहता है तो ओरल कैविटी दैट कैन नॉट बी क्लीन्ड बिकॉज आवर सलाइवा हैव द व्हाट फंक्शन, द मेन फंक्शन ऑफ द सलाइवा इज क्लींसिंग द ओरल कैविटी। But in case of the decreased fluid intake, there is a low secretion of the saliva. And so the client instantly, strictly required for the oral care twice in a day. Okay guys, तो ऐसे clients जो fluid restricted हैं, इन्हें oral care provide करना is very urgent, is very essential for those patients to prevent the oral infections. यदि आप ऐसा नहीं करते हैं तो दे हैव द मोर पॉसिबिलिटी फॉर द इंफेक्शन इन द ओरल कैविटी। क्रिस्टल क्लियर हो गया है? यहां पर पूरा सेंटेंस लिख लेना, दे आर मोर प्रोबेबिलिटी फॉर द ओरल इंफेक्शन। क्रिस्टल क्लियर है गाइस? तो व्हाट इज द राइट आंसर इन दिस क्वेश्चन? सो द बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। कौन कौन आज के सुपर वुगली है जिन्होंने बिल्कुल सही आंसर कर दिया था? शेरगिल, रितिका, सुरेश, शेजल, बड़े आगे मेरे बच्चों। यहां तक जो पढ़ाया आपको आया कि नहीं आया? कोई ऐसा तो गधा नहीं है ना जो सो के पढ़ रहा हो। अगर कोई भी इस क्लास को सो करके पढ़ रहा है तो वो उठकर के चेयर पे बैठ जाओ फटाफट, बिना टाइम वेस्ट करे चेयर पे बैठ करके
मोबाइल सामने रख के हाथ में पेन लेकर के फिर पढ़ाई करने बैठना होता है रात को 10 बजे रोजाना। आता हूं मेरे बच्चों आप सबको पढ़ाने के लिए, आप सबको आगे बढ़ाने के लिए। मेरी पढ़ाई पढ़ाने से आपको कितना बेनिफिट हो रहा है, कितना आप सीख पा रहे हो मेरे बच्चों, कमेंट पे बाद में वीडियो पूरी हो जाए तब लिख करके मुझे जरूर बताना कि सर हम लोगों को वाकई में कितना बेनिफिट हो रहा है, क्लियर है, ताकि आपका ओपिनियन मुझ तक पहुंच सके और मैं आपकी बातों को अच्छे ढंग से समझ सकूं। मेरे बच्चों आगे बात करता हूं बेटा, विच टेक्निक आर मोस्ट अप्रोप्रिएट, आपसे कहा जा रहा है एक टेक्निक के बारे में और वो भी मोस्ट अप्रोप्रिएट टेक्निक के बारे में व्हेन प्रोवाइडिंग ओरल केयर फॉर अ क्लाइंट डेंचर्स। मेरे बच्चों डेंचर्स का मीन्स होता है बत्तीसी, जो माउथ के अंदर जिन क्लाइंट्स के टीथ जो हैं वो ब्रेक हो जाते हैं उन क्लाइंट्स को डेंचर लगाया जाता है। तो डेंचर वाले पेशेंट्स के लिए केयर करने का, ओरल केयर प्रोवाइड करने का सबसे ज्यादा मोस्ट अप्रोप्रिएट टेक्निक कौन सा है? सेलेक्ट ऑल दैट अप्लाई, मल्टीपल ऑप्शन आपको सेलेक्ट करना है। मटेरियल होना चाहिए, मटेरियल मेरे बच्चों मटेरियल आपको डेली का इसकी पीडीएफ अपनी वुगली ऐप के अंदर अवेलेबल करवा रखी है फ्री ऑफ कॉस्ट, बिना किसी शुल्क के, बिना किसी चार्ज के। गो इन द वुगली ऐप एंड ओपन अ कोर्स दैट इज नेम्ड एज द फ्री पीडीएफ फॉर यूट्यूब क्लास, क्लिक ऑन दिस कोर्स एंड यू गेट द ऑल पीडीएफ ऑफ द डेली लेक्चर्स, that is totally free of cost, and on the coming Sunday you have a test, major test on the gastrology. So test series and the PDFs all are available in the Voogly app. Voogly aap sab ke liye hai mere bachcho, Voogly aap sab ki madad ke liye hai. Mil jayega beta, thoda sa dekhna, kuch bhi kharab nahi hoga. Jab aap koshish karenge to mil jayega, aisa nahi hai ki Jammu Kashmir mein hai koi cheez. क्लियर है, बहुत सिंपल है। रितिका ने कुछ बात बोली है, बहुत होता है सर मैं दो ईयर सेकंड ईयर में हूँ क्लास में, सबसे ज्यादा आंसर मैं देती हूँ, सब टीचर बोलते हैं रितिका कहाँ से ऑनलाइन क्लास लेती है इतना नॉलेज। शाबाश रितिका, मेरी वुगली आज आपकी क्लास के अंदर आपका सम्मान बढ़ा रही है और यही मेरा सम्मान है कि बस वुगली का जो कैंडिडेट है उसकी रेपुटेशन उसके सेक्टर में बहुत अच्छी आ रही है, दूसरे लोगों के नजर में सम्मान प्राप्त कर रहे हो, दैट इज रेस्पेक्ट फॉर दिस वुगली, क्लियर है, ऐसे ही सब लोगों को रेस्पेक्ट मिलता रहे। तो चलिए आंसर करते हैं, ओरल केयर प्रोवाइड करने के लिए सही सही टेक्निक्स इसमें से आइडेंटिफाई करना है। यूजिंग हॉट वाटर व्हाइल ब्रशिंग और रिंसिंग द डेंचर, हॉट वाटर नहीं यूज करते हैं मेरे बच्चों डेंचर्स को ब्रशिंग करने के लिए, इसको क्रॉस मार दीजिएगा। होल्डिंग द डेंचर ओवर अ बेसिन ऑफ द वाटर एंड अ सॉफ्ट टॉवल, जब भी डेंचर्स को आप ब्रश करवा रहे हो तो आपको मेरे बच्चों डेंचर को हमेशा बेसिन में, पानी के बेसिन के ऊपर या फिर सॉफ्ट टॉवल के ऊपर ही रख करके ब्रश करवाना है। पता चले गलती से डेंचर गिर जाए और टूट जाए, ब्रेक हो जाए, नुकसान हो जाए, तो जब भी कभी किसी की बत्तीसी डेंचर का केयर कर रहे हो मेरे बच्चों तो पानी के बेसिन के ऊपर होल्ड करते हैं या सॉफ्ट टॉवल के ऊपर होल्ड किया जाता है। अप्लाइंग द सॉल्वेंट टू रिमूव ओरल एडहेसिव फ्रॉम द डेंचर्स, ऐसा नहीं करना है मेरे बच्चों। प्लेसिंग द डेंचर इन अ क्लीन ड्राई कंटेनर आफ्टर ब्रशिंग, मेरे बच्चों जब कभी भी आप इसको, इस ऑप्शन में आपको याद रखना नॉक्ड टीथ या डेंचर्स जो होते हैं मेरे बच्चों इनको आप क्लीन और ड्राई कंटेनर के अंदर रखें। डोनिंग द क्लीन ग्लव्स बिफोर टेकिंग द डेंचर फ्रॉम द क्लाइंट्स माउथ, मेरे बच्चों किसी भी पेशेंट के माउथ से या बॉडी से कोई भी, यहां इसमें दम है, इस पॉइंट के अंदर बहुत दम है, बहुत पावर है,
यदि आप किसी भी पर्सन के ब्लड को या बॉडी के किसी भी सिक्रेशन को अगर आप टच कर रहे हैं मेरे बच्चों, तो याद रखना बॉडी के किसी सिक्रेशन या ब्लड को हमेशा ग्लव्स पहन करके ही टच करना है, ग्लव्स डॉनिंग करके ही पहनना है, टच करना है। तो यू नीड टू डॉनिंग द क्लीन ग्लव्स बिफोर टेकिंग द डेंचर फ्रॉम द क्लाइंट्स माउथ। अंडरस्टैंड मेरे बच्चों? सो द ई ऑप्शन इज ऑल्सो द राइट ऑप्शन। रिमूविंग द लोअर प्लेट फ्रॉम द माउथ बाय टर्निंग इट टू अ स्लाइट एंगल, दैट इज नॉट द राइट प्रैक्टिस। तो इन दिस क्वेश्चन माय गाइस, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर डी एंड ऑप्शन नंबर ई आर द राइट ऑप्शंस। क्रिस्टल क्लियर हो गया है बेटा कि कौन कौन से टेक्निक्स, विशेष करके ध्यान देने योग्य टेक्निक्स होते हैं व्हेन वी प्रोवाइडिंग द ओरल केयर फॉर अ पेशेंट दैट इज हैविंग द डेंचर्स। तो क्या आपको ओरल केयर करना आ गया है? अपेंडेक्टोमी आया, स्टोमा आया, स्टूल आया, कोलोस्टोमी आया, इलियोस्टोमी आया है, डेंचर केयर आया है, ओरल केयर आया है। आज के लेक्चर के ये 8 टॉपिक्स के ऊपर फोकस किया गया था मेरे बच्चों, ताकि आप स्पेशली अपनी प्रिपरेशन कर सकें। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे बच्चों, क्लाइंट इज अ कैंडिडाइसिस ओरल थ्रश, विच असेसमेंट फाइंडिंग इज द नर्सेस मोस्ट लाइकली टू ऑब्जर्व व्हेन इंस्पेक्टिंग द ओरल केयर। मेरे बच्चों कैंडिडाइसिस या ओरल थ्रश का पेशेंट है, और इस ओरल थ्रस्ट के पेशेंट के लिए आपसे क्वेश्चन कर रहा हूं, विच असेसमेंट फाइंडिंग इज द नर्सेस मोस्ट लाइकली टू ऑब्जर्व व्हेन इंस्पेक्टिंग द ओरल कैविटी। मेरे बच्चों जब कभी भी कैंडिडाइसिस की बात करते हैं, तो कैंडिडाइसिस एक फंगल इंफेक्शन है, और कैंडिडा एल्बिकेंस इसकी फंगस का नाम होता है मेरे बच्चों। कैंडिडा एल्बिकेंस की वजह से माउथ की जो म्यूकस मेम्ब्रेन है, इस म्यूकस मेम्ब्रेन के ऊपर वाइट कलर के कर्ड लाइक पैचेस बन जाते हैं थ्रू आउट द माउथ। तो माउथ की म्यूकस मेम्ब्रेन पर वाइट कलर के कर्ड लाइक पैचेस का डेवलप हो जाना ही कैंडिडाइसिस होता है। क्रिस्टल क्लियर हो गया है बेटा यहां पर? तो सी ऑप्शन इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। तो आज के लिए मेरे बच्चों बस इतना ही। थैंक यू सो मच। जाना नहीं है अभी, 2 मिनट बाद सुन करके जाना। सबसे पहले उस हर एक नीडी स्टूडेंट को क्लास शेयर करके और उसकी हेल्प करें मेरे बच्चों, जो एडवांस और अपडेटेड कंटेंट्स को पढ़ना चाहता है, कुछ बनना चाहता है, कुछ सीखना चाहता है, वो आपका एहसान मंद होगा, आपकी हमेशा हेल्प करेगा और आपके लिए जिम्मेदारी समझेगा। मेरे बच्चों नोट्स पूरे प्रॉपर बनाते रहना। तीसरी बात है, संडे को टेस्ट है, टेस्ट के लिए पूरी क्लासेस को अच्छे से प्रिपेयर कर लेना। किसी का अगर कोई लेक्चर मिसिंग है तो टाइम निकाल करके उस लेक्चर को प्रिपेयर करके और सारे क्वेश्चंस को अच्छे से सीख लेना। मेरे बच्चों टेस्ट के अंदर कोशिश आप लोगों को ये करना है कि सारे बच्चों के फुल में से फुल मार्क्स आ सके। इसकी PDF ऐप के अंदर अवेलेबल होती है, जिसको भी नहीं मिल रहा है उसकी मदद करें बेटा, उसको बताएं कि PDF कहाँ मिलेगा, कैसे मिलेगा। आप चैट के ग्रुप्स के अंदर पूछ लिया करो, अपनी वुगली ऐप के चैट ग्रुप्स हैं जो आप ही के लिए बनाए हुए हैं। मेरे बच्चों अगर आप BPCHN के लिए एग्जाम देने जा रहे हैं तो मुझे आप लिख करके बता देना, तो मैं उसके लिए एक प्लेलिस्ट बनवा दूंगा ताकि आपके लिए पढ़ना आसान हो जाए। थैंक यू सो मच मेरे बच्चों, शुभ रात्रि, बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका, लव यू ऑल, विश यू ऑल द बेस्ट। एक बार जोरदार बोलो, हर हर वुगली, घर घर वुगली, वुगली है तो मुमकिन है। थैंक यू सो मच बच्चों, शुभ रात्रि।